हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में होने वाली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग क्यों होती है, क्या इसके पीछे की वजह होती है और कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और कब ये नॉर्मल होती है। पूरा जो भी आपका ब्लीडिंग है स्पॉटिंग से रिलेटेड टॉपिक है इसमें आज क्लियर करेंगे और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रहे होते हैं, आप कंसीव कर लेते हैं, तो आपको दिखाई देती है स्पॉटिंग। बहुत सारी महिलाओं को डर होता है क्या ये मिसकैरेज है, क्योंकि मिसकैरेज की ब्लीडिंग और इम्प्लेमेंटेशन की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर आप उस डिफरेंस को पहचानते हो तो आप ये ब्लीडिंग देख कर घबराओगे नहीं। बट जब आप कंसीव कर लेते हो उस टाइम जो आपको ब्लीडिंग होती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक जैसी ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका ही आज हम डिफरेंस भी बताएंगे। तो देखो, जब आप कंसीव कर लेते हो, आपको ओवुलेशन हो जाता है, जो वो एग है उससे जो स्पर्म है मिल जाता है, उस टाइम आपको इम्प्लेमेंटेशन ब्लीडिंग होती है। एक से दो ड्रॉप ब्लीडिंग हो सकती है और एक से दो दिन तक ही दिखाई दे सकती है। उस ब्लीडिंग का कलर एकदम प्योर रेड होता है, आप पिंक और रेड कलर की दिखाई देगी, ज़्यादा ऐसा अलग कोई कलर नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूँ मिसकैरेज की ब्लीडिंग की, बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में आपको ब्लीडिंग होगी। आपको जो है मे भी हो सकता है उस टाइम आपको पैड भी यूज करना पड़े और साथ साथ में आपको जो है वो ब्लीडिंग 3 से 4 दिन रहेगी। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहेगी और आपको जो ब्लड के क्लॉट होते हैं, जो मोटे मोटे धब्बे भी कहते हैं, वो भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो मेनली ये दो रीज़न रहता है, दो डिफरेंस रहता है जिसको देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये क्या मिसकैरेज ब्लीडिंग थी या इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दोनों के कारण क्या क्या होते हैं। देखो, मेनली 5 से 6 कारण होते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। सेकंड आपका मिसकैरेज होता है, जो मैंने आपको अभी दोनों बताए। थर्ड आपका होता है ट्विन प्रेगनेंसी। फोर्थ होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ, आपकी ओवरीज में बच्चा ना बनकर आपकी फैलोपियन ट्यूब में बनता है जिसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग नजर आ सकती है। और फिफ्थ होती है आपकी मॉरल प्रेगनेंसी। तो इन सब 5 प्रेगनेंसियों में 5 से 6 जो भी हैं, इनके कारण भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नजर आती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इतना कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं है अगर आपके मिसकैरेज या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के अलावा इनमें से 3 रीज़न हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या लक्षण नज़र आते हैं। वन बाय वन मैं आपको सबका बताऊंगी। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग को बहुत सारी वुमेन जो है वो पीरियड समझ लेती हैं, क्योंकि कई बार पीरियड्स में भी आपको बहुत ज़्यादा कम ब्लीडिंग आती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 1 से 2 अगर ड्रॉप्स आपको 1 से 2 दिन दिखते हैं तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पेट के नीचे ऐंठन हो रही है, मरोड़ आ रही है, तो ये मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, ये मिसकैरेज का लक्षण होता है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, अगर आपके क्या नाम है इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग होगी तो आपको पेशाब आने में समस्या होगी, आपको पस्सा लगेगा, आपको जो है बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, आपको वहाँ पे जलन भी हो सकती है। ये होता है आपका इन्फेक्शन की वजह से। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका अगर आपके कंधे में दर्द है, ठीक है, और आपको जो है थोड़ा सा पेट फूलने की समस्या है, तो वो आपका एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में आता है जिसमें बच्चा फैलोपियन ट्यूब में बन रहा होता है। फिफ्थ और लास्ट है उल्टी या पलटी की समस्या। तो ये आपको तभी दिखाई देती है जब बहुत ज़्यादा आप चिंता ले लेती हैं, चिंता करती हैं। तो अगर आप अपनी चिंता को थोड़ा सा कम करेगी तो हो सकता है ये ब्लीडिंग भी आपको नज़र ना आए। तो ये 5 कहते हैं ना लक्षण होते हैं जिनको देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो कि ब्लीडिंग और स्पॉटिंग किस कारण हो रही है, और ये सिम्टम मिलाकर आप इजीली अपने पे देख सकते हो कि क्या ऐसा मेन कारण रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये कारण नॉर्मल है, कॉमन है, तो आपको डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ आ रही है, ऐठन आ रही है, अच्छे ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, या आपको पेट फूलने की समस्या या कंधे में जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है।
अब हम बात कर लेते हैं ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दोनों का इलाज क्या है। तो देखो सबसे पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें नॉर्मल रहता है। अगर आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या मॉरल प्रेगनेंसी है उसमें आपको डॉक्टर की विजिट बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाती है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ वो है आपका मिसकैरेज। तो देखो मिसकैरेज अगर आप स्टार्टिंग डेज में ही डॉक्टर से मिल लोगे ब्लीडिंग, तो डॉक्टर दवाई देकर आपके 10 से 15 दिन रेस्ट बता के आपकी जो मिसकैरेज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसमें जितनी जल्दी आप डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर पाओ आपके बच्चे की जान बचने के उतनी ज्यादा चांसेस होती हैं। तो ये 3 इलाज है जो आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखने के बाद कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्टर को मेनली आपको कब दिखाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो एकदम स्टार्टिंग में आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाए तब, बीच में प्रेगनेंसी की हैवी ब्लीडिंग हो तब, और थर्ड अगर आपको पेट के नीचे कभी भी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी बहुत ज़्यादा ऐंठन आए या पीठ के पीछे आपको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन हो, तो आपको डॉक्टर को इमिजिएटली दिखाना चाहिए और उस टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि ये कॉमन सिम्टम नहीं रहते, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ साइन देता है। तो डॉक्टर आपको इंटरनली या फिर बाय अल्ट्रासाउंड चेक करके आपको ईजिली उस तरह से रेकमेंड कर देंगे। और साथ साथ में आपका जो कहते हैं ना पीछे से सपोर्ट, डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ ऐसी मेडिकेशन पर या कुछ ऐसे रेस्ट पर आपको रखकर उस बच्चे की जान बचाने में पूरा का पूरा साथ देंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जो डिफरेंस है इन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मिसकैरेज ब्लीडिंग और ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।